सोमवार को बिहार विधानसभा में बजट पेश किया गया। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने सोमवार को 2,18,303 करोड़ रुपए का बजट पेश कर विकास के अपने एजेंडे को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। बजट में प्रशिक्षण और बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के कई ऐलान किए गए हैं, जिससे आगे ये मुद्दे बिहार राजनीति में अड़चन पैदा न करे। वहीं इस बजट को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ढोल का पोल और जनता का मजाक उड़ाने वाला करार दिया है। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री तार किशोर प्रसाद ने अपने बजट संबोधन में कहा कि बिहार में साल 2021-22 के तहत 20 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। रोजगार के ये अवसर सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में सृजित किए जाएंगे। इसके लिए 2021-22 में 200 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। सरकार ने बिहार के बाहर देश के दूसरे राज्यों में काम कर रहे श्रमिकों का पंचायत वार्ड डेटा तैयार करने और क्षेत्रीय प्रशासन में महिलाओं को आरक्षण के अनुपात में हिस्सेदारी देने का फैसला किया है। वैसे बिहार का पूरा बजट आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के इर्द गिर्द केंद्रित है। 5 साल में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का मतलब साफ है कि हर साल 4 लाख का औसत। अगर नीतीश सरकार ऐसा करने में सफल रहती है तो बिहार के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात होगी। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नौकरी देने के बजाय बिहार के युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, शोध और रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर निर्मित करने से लेकर युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार उपलब्ध कराने तक कई प्रावधान किए गए हैं। बजट में युवाओं के साथ साथ महिलाओं को भी सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार ने स्किल उद्यमिता विभाग का गठन करने का भी ऐलान किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने महिलाओं और युवाओं को उद्यम से जोड़ने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज और अनुदान की व्यवस्था की है। उद्यमिता को बढ़ावा देने और कौशल ट्रेनिंग के लिए सरकार महिलाओं को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। इसके अलावा 5 लाख रुपए केवल 1% के ब्याज पर दिए जाएंगे और इसके लिए उद्योग विभाग में इस योजना पर 200 करोड़ रुपए के बैकअप की व्यवस्था की गई है। इस बार के बजट में सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर जोर देने की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण पहले से मिल रहा है, लेकिन अब भी नौकरियों में उनकी संख्या कम है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अश्वथा चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।